करनाल हमारा व्यवस्थित हो, सुंदर हो, प्यारा हो और इसमें सभी वो काम, वो सपने जो हमने करनाल को आगे बढ़ाने के लिए देखे हैं, हम चाहते हैं कि वो पूरे हो। अभी जिस तरह से विधानसभा के चुनाव शुरू हुए तो मन में कहीं ना कहीं एक चुभन थी, एक घुटन थी, पर आज मेरी इस चुभन और इस घुटन को आप लोगों ने मुझे दूर कर दिया। आज मुझे इस बात के लिए अभिभूत कर दिया कि आपकी ये बहन बेटी अकेली नहीं है, आज मेरे भाई मेरी बहनें मेरे साथ है। आज आपके साथ जो समय बिताया है, मुझे इस बात का सुकून है कि आपका प्रेम प्यार आज करनाल में जो मुझे मिला है। कभी कभी मीडिया के मेरे पत्रकार बंधु कभी इस बात के लिए मेरा बातें करते थे, करनाल के विकास के लिए, करनाल के लिए। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मेरे मीडिया के एक एक पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने हमेशा एक सकारात्मक सोच के साथ मुझे आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मेरे सभी पार्षदों का, जिन्होंने पूरी तरह से सहयोग करते हुए हमारे नगर निगम में बेहतर व्यवस्थाएं हो सके उसका प्रयास किया है। किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ बनकर जिस तरह से ये सेवा करने का अवसर मिला है, एक निर्णय एक मेरे सर्व समाज से भाई चाहते थे कि एक हम पंचायत करें, जिस पंचायत में हम निर्णय ले, पर मुझे आज इस बात के लिए बड़ा सुकून है कि मेरी टिकट मेरा परिवार है, मेरी ये जनता है जिसने मुझे आज ही अपना अपना आशीर्वाद दिया है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ। ये चुनाव लड़ना ना लड़ना मेरी मर्जी नहीं है, ये आप लोगों की मर्जी है। मैं आप लोगों के ऊपर सौंपती हूँ, क्योंकि मेरे सपने और आपके सपने अलग नहीं हैं। आप जैसा कहेंगे, ये बहन बेटी मस्तक झुकाकर उसका वंदन करेगी, अभिनंदन करेगी। आप चाहेंगे तो मैं समाज में आगे बढ़ूंगी। आप यदि कहेंगे कि पर्दे के पीछे रहकर समाज की सेवा करनी है, तो मैं भी, क्योंकि मैं आप लोगों को छोड़ नहीं सकती। जिन परिवारों में सुख दुख में मेरा जाना आना रहा है, जो हर घड़ी सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहे हैं, चाहे कोई भी चुनाव रहे हो। पहली बार जब मैं पार्षद का चुनाव लड़ी थी तो मुझे पता नहीं था कि कौन सी गलियां, कौन सी बस्तियां हमारी गरीब बस्तियां हैं, पर जब मैं उन बस्तियों में गई तो उनके जिस तरह से मुझे प्रेम प्यार सहयोग मिला, उसके लिए आभार है। और उन पार्षदों का, 2013 के सभी पार्षदों का आभार है जिन्होंने मुझे मेयर बनाया। और दूसरी बार जब मेयर बनी तो पूरे शहर के लोगों का इस बात के लिए वंदन है, अभिनंदन है कि आपने मुझे मेयर बनाया। और आज मैं अपने परिवार के इस जनता पर ये जिम्मेदारी छोड़ती हूँ कि आप ही ये फैसला लें कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना ही कहने पर, एक छोटे से फोन कॉल पर, एक छोटे से निमंत्रण पर आप सब लोग यहाँ इतनी भारी संख्या में पहुँचे, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय करनाल, जय करनाल, जय करनाल। बहन अनुबाला गुप्ता, बहन अनुबाला गुप्ता, बहन अनुबाला गुप्ता, बहन अनुबाला गुप्ता, निवेदन करूंगा गुप्ता आगे बढ़ो, अपने बड़े भाई प्रिंस गुप्ता जी से कि वो आई हुई बिरादरी का यहाँ पर इकट्ठे होने से हार्दिक स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे ब्रिज गुप्ता जी। बहन अनुबाला गुप्ता,
तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। सर इस 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 सर्व समाज पंचायत में करनाल विधानसभा के सभी मेरे परिवार के सदस्य इतने भारी उत्साह से मेरे सभी आदरणीय व सम्माननीय मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे छायाकार पत्रकार साथी, आप लोग और मेरे सभी समाज के सभी 36 बिरादरी के समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और मेरे सभी नगर निगम के पार्षद भाई, पार्षद बहन रजनी और सभी पूरा पार्षद यहाँ पहुँचे हैं। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आपका मैं सदा ऋणी रहूँगा कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर हम सबको इतना मान सम्मान दिया। हमारे एक छोटे से टेलीफोन पर आप सभी यहाँ आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से आभार। भाई बीरज गुप्ता, भाई बीरज गुप्ता। और मेरी आप सबसे प्रार्थना है, भोजन लगा हुआ है, आप सभी भाई साथी भोजन लेके जाएं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, भोजन लगा हुआ है, आप सभी भोजन प्रसाद लेके जाएं। धन्यवाद। भाई बीरज गुप्ता, भाई बीरज गुप्ता। रेणुमाला मैडम आगे बढ़ो। रेणुमाला गुप्ता, रेणुमाला गुप्ता। धन्यवाद सभी का तहे दिल से। भाई सभी प्रसाद जरूर लेके जाएंगे, सभी बिल्कुल व्यवस्था बना के रखेंगे, खाना खा के जाएंगे और व्यवस्था का ध्यान रखें। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, आभार। सतीश जी वो सर्व बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं पुणे आए हुए आज इस एक सहयोग समागम में 36 बिरादरी से आए हुए मैं सभी मेरे बड़े बुजुर्गों का, भाइयों का, बहनों का, बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आपने एक छोटे से बुलावे पे, छोटे से नोटिस पीरियड पे आज यहाँ पे जो इतनी बड़ी एक भीड़ इकट्ठी की है, एक अपना बल दिखाया है, एक एक जुटता दिखाई है करनाल विधानसभा के लिए, जो एक आज प्रण लिया है, उसके लिए मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। रेणुमाला गुप्ता जय रुमाला गुप्ता जिंदाबाद। जिंदाबाद। जनता ने जो प्यार दिया है उसके जिंदाबाद। बहुत अभिभूत हूँ। भाई जोगिंदर शर्मा जिंदाबाद। करनाल वासियों का धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इसमें यहाँ समाज ने से अपील की जाती है कि कृपया लोन में खाना लगा हुआ है, खाना खा के जाए। आप सभी भाई बहनों को सूचित किया। सदस्य के कमेटी कितने के, कमेटी कितने लोगों की बनाई? 31 लोगों की कमेटी बनाई है। ये भाई सतीश गुप्ता जी आपको जानकारी देंगे, जो भी कमेटी निर्णय कर लेकर देगी मैं उस पर फूल चढ़ाऊंगी। करनाल के लोगों के दिल में मैं पत्रकार भाइयों से और आप सभी से एक बात के लिए अवगत कराना चाह रहा हूं कि आज जो महासभा महापंचायत यहां पर हुई है वो अभी कोई चुनाव के ऐलान के लिए नहीं हुई है। ये सर्व समाज 36 बिरादरी ने जो आज यहां पर एकजुटता दिखाई है वो हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है। और कल एक कमेटी जो आज हमने बनाई है 36 बिरादरी को लेके, वो कमेटी कल तक दोपहर तक जो निर्णय लेगी उसी निर्णय के आधार पे अगली कार्रवाई की जाएगी। कल 1 बजे तक सब कुछ निर्धारित किया जाएगा। कल 1 बजे के बाद पुनः एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा
अगली जानकारी आपके माध्यम से पूरे समाज को दी जाएगी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,